बॉलीवुड की हसीन अभिनेत्री तब्बू अब तक कई सारी जबरदस्त फिल्मों में काम कर चुकी हैं और अपनी एक्टिंग से दर्शकों के बीच में एक ऊंचा मुकाम बनाया है इन्होंने। तभी तो तब्बू की फिल्में देखना हर कोई पसंद करता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि तब्बू की चार फिल्मों को उनके एक्स बॉयफ्रेंड नागार्जुन बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते, बल्कि जब भी वो उन चार फिल्मों को देखते हैं तो उन पर ताने करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आज हम आपको तब्बू की उन चार फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर उनके एक्स बॉयफ्रेंड नागार्जुन हमेशा ताने कसते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं तब्बू की उन चार फिल्मों के बारे में। नंबर एक पर है मकबूल। साल 2003 में आई फिल्म मकबूल बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और एक फ्लॉप साबित हुई थी, जिसकी वजह से तब्बू के एक्स बॉयफ्रेंड नागार्जुन ने कहा है कि अब इस फिल्म को तो फ्लॉप होना ही था। जिसकी एक कहानी समाज को सुधारने की जगह बिगाड़ने वाली हो तो ऐसी फिल्म फ्लॉप नहीं होगी तो क्या हिट होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तब्बू के नसीब में फ्लॉप फिल्म ही लगी है तो क्या किया जा सकता है। नंबर दो पर है विजय पथ। साल 1994 में आई हिंदी फिल्म विजय पथ ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म रही थी, मगर तब्बू की इस हिट फिल्म पर भी इनके एक्स बॉयफ्रेंड नागार्जुन ने ताना कसते हुए कहा है कि इस फिल्म में तब्बू ने कोई मेहनत नहीं की, उन्हें तो पका पकाया खाना मिल गया। क्योंकि इस फिल्म को पहले दिव्या भारती जी कर रही थी, पर अचानक से उनकी डेथ हो जाने की वजह से ये फिल्म इनकी झोली में आन पड़ी, जिसका फायदा इन्होंने बड़ी ही बखूबी उठाया। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नंबर तीन पर है जय हो। साल 2014 में आई फिल्म जय हो दर्शकों को काफी पसंद आई थी, मगर ये नागार्जुन को कुछ खास नहीं लगी। इसीलिए उन्होंने इस फिल्म पर ताना कसते हुए कहा है कि अब तब्बू की उम्र हो गई है, तभी तो सिर्फ मेन नहीं सपोर्टिंग रोल मिल रहे हैं और इस फिल्म में भी तो इन्हें एक सपोर्टिंग रोल ही मिला है जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगी। तब्बू को अपने लिए कुछ करना चाहिए वरना वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो जाएंगी। नंबर चार पर है हवा। साल 2003 में आई हॉरर फिल्म हवा वैसे तो सभी को पसंद आई थी, क्योंकि इसमें सभी को तब्बू की एक्टिंग काफी अच्छी लगी थी, मगर इस फिल्म पर तब्बू के एक्स बॉयफ्रेंड नागार्जुन ने ताना कसते हुए कहा है कि मुझे तो इस फिल्म में तब्बू की एक्टिंग ज्यादा खास नहीं लगी। साथ ही वैसे तो तब वो काफी संस्कारी टाइप फिल्में करती थी, पर इनमें उन्हें बोल्ड सीन देने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई। पता नहीं इन्होंने ऐसी फिल्म कैसे कर ली, पॉपुलैरिटी पाने के लिए इतना भी क्या करना। तो दोस्तों आपको तब्बू की इन चार फिल्मों में से कौन सी फिल्म पसंद है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।